इस वीडियो को देखने वाले सभी भाई और बहनों को परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग की तरफ से सादर प्रणाम। जय महाकाल, जय बोलेरा। तो दोस्तों, अब मात्र एक महीना शेष रह गया है चार धाम यात्रा को स्टार्ट होने में। इस यात्रा को करने के लिए आपको कौन कौन से जरूरी रजिस्ट्रेशन है, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन आपको करवाने चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे, ताकि आपकी यात्रा के दौरान आपको किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। आप जो है 3 मई से जो है कपाट खोले जाएंगे यमुनोत्री गंगोत्री जी के, 6 मई को कपाट खोले जाएंगे केदारनाथ जी के, और 8 मई को कपाट खोले जाएंगे बद्री विशाल जी के। और आज है 6 अप्रैल, मतलब एक महीना से भी कम समय रह गया है अगर आप चार धाम यात्रा करना चाह रहे हैं। तो आपको कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन है, ये हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको देने वाले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं चार धाम यात्रा से रिलेटेड, या दूसरे जो हमारे ट्रैक्स होते हैं उनसे रिलेटेड आप उत्तराखंड की है अपडेट ले सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक चीज बता दें, परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग जो है खुद चार धाम यात्रा, दो धाम यात्रा, ओनली केदारनाथ, चौपता, तुंगनाथ या पंच केदारनाथ यात्रा जो है हम लोग खुद जो है वो प्रोवाइड भी कराते हैं अपने गेस्ट को। तो आप अपनी आइटनरी जो है वो कस्टमाइज भी करा सकते हैं। आप चाहे तो चौपता तुंगनाथ और केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं, दो धाम प्लस एक चौपता तुंगनाथ जो है हिल स्टेशन, और पंच केदार में भी आता है चौपता तुंगनाथ जो है उसका दर्शन कर सकते हैं, या पंच केदार जो है आपके केदारनाथ यमुनोत्री केदारनाथ हो गया, मधुमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, इनके जो है आप पंच केदार के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मई जो और जून की जो यात्रा है इस साल वो ऑलरेडी जो है होटल चार धाम के अंदर जो है वो फुल हो चुके हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में बहुत सारे दूसरे हिल स्टेशन ऐसे हैं या दूसरे जो दार्शनिक स्थल हैं वो बहुत सारे हैं जहां पर कि आप जो है दर्शन कर सकते हैं, चाहे वो मधुमेश्वर ले लीजिए, चाहे वो रुद्रनाथ ले लीजिए, चौपता तुंगनाथ ले लीजिए, कल्पेश्वर ले लीजिए, या दूसरे जो हमारे कह सकते हैं त्रिवेणी नारायण काली मठ, धारी देवी टेम्पल, या अगर ये तो हम केदारनाथ घाटी की बात कर रहे हैं, अगर हम बात ओली हो गया, वैली ऑफ फ्लावर हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया, या नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, धनौल्टी हो गया, या दूसरे बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर कि आप जा सकते हैं इन वेकेशंस के अंदर। तो दोस्तों, बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में, जो हम मेन पर्पज है हमारा, कि आपको कौन कौन से रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाने अनिवार्य है इस दौरान। तो दोस्तों, अगर आप चार धाम यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपके लिए जो है सबसे पहले जो है यात्रियों को जो रजिस्ट्रेशन कराना है एसटीपीवी रजिस्ट्रेशन एंड tourist care.uk.gov.in पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि लास्ट टाइम जो है ये होता था कि हम देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराते थे, बट इस बार आपको देवस्थानम के बोर्ड पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, एसटीपीवी रजिस्ट्रेशन जो है tourist care.uk.gov.in पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वेब पोर्टल रजिस्ट्रेशन सेंटर जो है मोबाइल ऐप यात्री मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा जा सकते हैं, ठीक है जी। हरिद्वार राही मोटल जो है यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, लेकर संयुक्त बस अड्डा जो है ऋषिकेश, यहाँ पर आप करवा सकते हैं, गुरुद्वारा ऋषिकेश में आप करवा सकते हैं, बद्रीनाथ मार्ग, केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री मार्ग पर ऑफलाइन पंजीकरण व्यवस्था है। वहीं केदारनाथ हेली सेवा के लिए जो है heliservice.uk.gov.in और बद्री विशाल केदारनाथ श्री धाम की पूजा अर्चना के लिए आपको ऑनलाइन बुक करानी पड़ेगी, वो है बद्री heliservice.uk.gov.in पर जो है ये सुविधा उपलब्ध है। तो दोस्तों, ऑफलाइन के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाता है पहले ही, तो आपको जो है लाइन में नहीं लगना पड़ता है। अन्यथा बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो जिनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वहां पर बहुत लंबी लंबी कतारें आपको मिलेंगी, क्यूज मिलेंगे, वहां पर आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप जो है चार धाम यात्रा करना चाह रहे हैं तो यू आर हैव टू रजिस्टर्ड ऑल दिस वेबसाइट, मीन्स आपको ये सारी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा के चलना चाहिए अपनी यात्रा को, अगर आप बिना किसी कह सकते हैं ना प्रॉब्लम्स के, या फिर आप चाहते नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो यात्रा के दौरान, तो आप ये रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस यात्रा को मंगलमय बनाना तो आप इन रजिस्ट्रेशन को करवा के चलेगा। बाकी अगर आप चौपता तुंगनाथ या पंचकेदार यात्रा या चारधाम यात्रा, ओनली केदारनाथ यात्रा एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट के अंदर आप करना चाहते हैं, तो परफेक्ट हिमालयन कैंपिंग एंड ट्रैकिंग से आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमें उस पर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस शो। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।